हेलो। तो आज हम बात करेंगे दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो देखिए, ये सब्जेक्ट काफ़ी पीछे छूटा हुआ है हमारा, और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं। ठीक है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग अपने बैकग्राउंड को दोष दे रहे हैं कि मैं इंजीनियरिंग से हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं फलाना से हूँ, ढिमका से हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो मुझे जितना समझ में आया है वो प्रॉब्लम इसमें सिलेबस की या फिर ये नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। मटेरियल सबके पास एनसीईआरटी तो लगभग है ही, नहीं है तो ऑनलाइन अवेलेबल है। दिक्कत यहाँ पे जो लग रही है वो ये है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए, अपने बैकग्राउंड को दोष देना छोड़िए। सबसे पहले तो पहले आपको फिजिक्स भी नहीं आती थी, केमिस्ट्री भी नहीं आती थी। जब पढ़ते हैं तभी कुछ आता है। ठीक है, तो अगर पढ़ेंगे तो ये भी आएगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पढ़ेंगे तब भी नहीं आएगी। और एक राज की बात आपको और बता दूं कि पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा है, क्वेश्चनिंग कंप्लेनिंग का टाइम निकल गया है, उसको छोड़ के अब पढ़ने का समय है। अगर अभी भी आप चालू रहते हैं, ये बता दीजिए, वो बता दीजिए, समझ में नहीं आ रहा, तो ये समझ लीजिए पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, वैकेंसीज कम है, वो ले जाएंगे सीट्स। अगर आपको उसमें अपना हस्तक्षेप करना है, कुछ सीट्स लेनी है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये राज की बात आज से नहीं, हमेशा से बनी रहती है कि पढ़ने वाले पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो पढ़ने वाले पढ़ेंगे ही। अगर आप क्वेश्चन ही पूछते रहोगे, कंप्लेन ही करते रहोगे, तो वो सीट ले जाएंगे। और ये लड़ाई सिर्फ सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड की है, तो हमेशा ये राज की बात माइंड में रखें कि पढ़ने वाला पढ़ रहा है, इसलिए आपको भी पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आगे निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पेपर देखेंगे, मैंने उसका एनालिसिस नहीं किया है इसलिए शायद इतनी दिक्कत है या पता नहीं, तो उसमें कोई ऐसे बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे हैं आपसे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन तो उसने मैथ्स के ही पूछ लिए हैं, और दो से तीन क्वेश्चन जो मेरी पिछली दो क्लास है उनमें से पूछ लिए हैं, और दो से तीन क्वेश्चन जो मैं आज पढ़ाऊंगा उनमें से पूछ लिए हैं। तो अगर दो तीन क्लासों में वो सात आठ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो खुद भी आपसे ज़्यादा नहीं पूछ रहा है। यूपीएससी जानती है कि आप उसमें प्रकांड पंडित नहीं हैं, तो उतना नहीं पूछा जा रहा है आपसे। दिक्कत ये है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से, आपको अटेम्प्ट करना नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, और वो आपको तभी आएगा जब आप उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग बेसिकली चीज क्या है कि कोई ट्रांजेक्शन हुआ, कोई इवेंट हुआ, आप किसी भी दुकान पे गए, आपने कुछ खरीदा, ठीक है, ये उसके लिए एक ट्रांजेक्शन हो गया। बड़ी कोई कंपनी है, उसने माल मंगाया, खरीदा, कुछ भी किया, ठीक है, हर किसी के लिए एक ट्रांजेक्शन है। उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किस तरह से किया जाएगा, रिकॉर्ड करने में किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा, और रिकॉर्ड करके फाइनल स्वरूप क्या आना चाहिए जिससे इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, तो बेसिकली ट्रांजेक्शन को इंफॉर्मेशन तक कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो अकाउंटिंग है, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो एक हुआ, ठीक है, होते रहेंगे, उससे इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी। इंफॉर्मेशन किसको चाहिए, काफी लोगों को चाहिए। ठीक है, आपके सप्लायर इन्वेस्टर को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, आपके ग्राहक को चाहिए, आपके लेनदार को चाहिए, सबको इंफॉर्मेशन चाहिए कि इसकी फाइनेंशियल साउंडनेस क्या है, इसके पास लिक्विडिटी कितनी है। कोई कुछ जानना चाहता है, कोई कुछ जानना चाहता है, तो वो एक ही चीज जिससे सबको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो होगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो किस तरह बनेगा, अकाउंटिंग से बनेगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग के ऊपर ही सारा बोझ है कि वो ट्रांजेक्शन को इन्फॉर्मेशन में इस तरीके से कन्वर्ट करे कि सबको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उनको मिले। ठीक है, और जब इतना कुछ आपको करना है तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, वही सब आपको इसमें पढ़ना है। जैसे पहले के दो लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखें, वहां मैंने पहले लेक्चर में बताया कि अकाउंटिंग है क्या। ठीक है, इसमें क्या क्या आपको बातें ध्यान रखनी है, जैसे कंपेरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ठीक है, रिलेवेंस। रिलेवेंस जिन चीजों का है उनको आप रिकॉर्ड करेंगे, रिलायबिलिटी होनी चाहिए यानी लोग विश्वास कर सकें। ठीक है, और कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए यानी किसी और फर्म से या फिर आपके ही किसी दूसरे पीरियड से आप उसको कंपेयर कर सको। ठीक है, ये सब उसमें गुण होने चाहिए। दूसरे लेक्चर में मैंने बात की है बेसिक टर्म्स की, एंटिटी क्या होती है, असेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इन सब की बात की है। करंट असेट क्या होता है, नॉन करंट असेट क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होती है, नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, तो ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। ठीक है, आज हम बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट की। ठीक है, क्या कंसेप्ट होते हैं, क्या धारणाएं होती हैं जो एक अकाउंटेंट को ध्यान में रखनी होती है, उसके माइंड में होती है जब वो अकाउंटिंग करता है। ठीक है, और अकाउंटिंग आज इतनी सी नहीं रह गई किसी बिजनेस से रिलेटेड, आज सब कुछ अकाउंटिंग से चलता है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि आज सब कुछ अकाउंटिंग में डिपेंड है। जो इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग देगी उसी हिसाब से कंपनी का भविष्य निर्धारित होगा,
उसी हिसाब से उसका मैनेजमेंट डिसीजन लेगा, ठीक है, वो प्रॉफिट में चल रही है, लॉस में चल रही है, उसको आगे क्या करना चाहिए, सब कुछ अकाउंटिंग बताएगी। तो जितना इम्पोर्टेंट ये है उतना ही फिर आपके लिए है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 12-13 क्वेश्चन है, उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, ठीक है। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अगर आपको समझ में आता है तो आप आंसर दे पाएंगे, नहीं समझ में आता है तो आप कितना भी पढ़ लीजिए कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो समझ के पढ़ना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि हमने बात की सबसे पहले कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक जैसे सारे स्टेटमेंट होने चाहिए। तो ये कहाँ पे सरकार बताती है, कंपनीज एक्ट 2013 हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल रिलेशन में, वहां पे जो Schedule 3 था उसका, उसमें बताया गया था कि कैसे कैसे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, जो पिछली बार क्वेश्चन गया था, ठीक है। तो उसके थ्रू तो सरकार बताती है। अब इंडिया में और कौन सी बॉडी है जो रेगुलेट करेगी, जो बताएगी कि आपको कैसे अकाउंटिंग करनी है? तो ICAI है, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो वो उन्होंने एक अपना नॉर्मल निकाला हुआ है कि इस तरीके से आपको अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहाँ से आते हैं, ठीक है, ये AICPA यानी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ठीक है। तो उन्होंने अपना एक, क्योंकि वो सबसे पुरानी संस्था है वर्ल्ड लेवल पे जिसका सब मानते हैं, तो उसने अपना निकाला हुआ है कि भाई ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं, उसके बेस पे गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट करेगी और उसके बेस पे ICAI उसको फॉलो करवाएगी, ठीक है। और बहुत सारी संस्थाएं जैसे स्टॉक मार्केट में सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और जो भी इंश्योरेंस के लिए IRDAI हुई, ये सब रेगुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है, एक सेटअप बना हुआ है, उस हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है GAAP, ठीक है, और एक तो फुल फॉर्म ही पूछ ली पिछली बार उसने IFRS की, तो इससे सिंपल क्वेश्चन UPSC लेवल पे नहीं पूछा जा सकता। तो ये आप मान के चलो कि वो ज्यादा कुछ नहीं आपसे डिमांड कर रही है, ठीक है, उससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है उसके लिए AICPA ने क्या कहा कि प्रिंसिपल इनको क्यों कहा जा रहा है, मीन्स अ जनरल रूल और लॉ अडोप्टेड और प्रोफेस्ड एज अ गाइड टू प्रैक्टिस अकाउंटिंग। अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो उसके लिए जनरल रूल है, एक तरीके से गाइड है, ठीक है। और इनको जनरली क्यों कहा जा रहा है, जनरली एक्सेप्टेड क्योंकि जनरली सब जगह एक्सेप्टेड है, इसके हिसाब से सबको करना है। क्यों करना है, ताकि एक दूसरे से कंपेरिजन किया जा सके। अगर आपको इंडिया की कंपनी को किसी बाहरी कंपनी से कंपेयर करना है तो आप कंपेयर कर पाओगे, जब एक तरीके से अकाउंटिंग की गई होगी, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के तरीके एक जैसे होंगे, तभी तो कर पाओगे। इसीलिए जनरली एक्सेप्टेड है, ठीक है, और प्रिंसिपल मीन्स रूल है बेसिक आपको अकाउंटिंग करने के, ठीक है। तो ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, इनके लिए आपको क्या ध्यान में रखना है अकाउंटिंग करते हुए, जो आज हमको पढ़ना है बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट, उसको आप कंसेप्ट बोल सकते हो, हिंदी में संकल्पनाएं बोल सकते हो, ठीक है, सिद्धांत बोल सकते हो, या फिर फंडामेंटल रूल्स बोल सकते हो, मूलभूत नियम है जिनके आधार पर हमें करना है, ठीक है। आप उसको बोल कुछ भी सकते हो, लेकिन बेसिकली वो क्या चीज है, मैंने आपको बताया कि आपको माइंड में क्या रखना है जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो, जब आप किसी ट्रांजेक्शन को, किसी इवेंट को, इंफॉर्मेशन में चेंज आपको करना है, तब आपको क्या ध्यान रखना है एज अकाउंटेंट, ये वो चीजें हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट की। सबसे पहला इसमें है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, यानी व्यावसायिक इकाई संकल्पना। तो देखिए, व्यावसायिक इकाई संकल्पना ये कहती है कि बिजनेस आपका अलग है, ठीक है, बिजनेस आपका अलग है, भले ही वो आपका खुद का है, बिजनेस में ओनर अलग है, मीन्स मालिक अलग है और बिजनेस अलग है। अगर आप अपना पैसा भी इन्वेस्ट करते हो तो वो भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। बिजनेस उसको ये मानेगा कि आपने उधार लिया है खुद से, ठीक है, क्योंकि बिजनेस अलग चलता है और आप अलग चलते हो। अगर किसी और से उधार लेना लायबिलिटी है, तो वैसे ही अपने आप से पैसा डालना भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस मानता है कि आपको वापस करना है, ठीक है। आपने हमेशा के लिए तो उसको डाला नहीं है कि बस वो वहां डल के स्वाहा हो जाए, ठीक है, तो आपके पास आना चाहिए, इसलिए वो लायबिलिटी है। तो बिजनेस एंटिटी ये कहती है कि बिजनेस एंटिटी यानी व्यावसायिक इकाई अलग चीज है और इंसान अलग चीज है। अगर आप कुछ भी आपके बिजनेस से लेते हो, मान लीजिए आपका मिठाई का धंधा है, आप मिठाई लेके जाते हो उससे किसी को देने के लिए, आपका समोसे का धंधा है, आपके दोस्त है, आपने समोसा खिला दिए, आप कुछ भी करते हो, ठीक है, वो सब आपकी बिजनेस से ड्रॉइंग है, ठीक है, बिजनेस से आहरण कर रहे हो आप, वहां से निकाल रहे हो, और वो आपका आहरण, वो आपकी ड्रॉइंग जो है उससे आपकी जो असेट्स है, ठीक है, वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, आपकी अभी असेट जो है 100 समोसों की थी, आपने 5 खिला दी, 95 रह गए, ठीक है। आप मिठाई का डब्बा ले गए, आप 5,000 रुपये ले गए आपके गले से, आपने कुछ भी लिया, वो आपका आहरण आपकी कैपिटल को, आपके असेट्स को कम करेगा, क्योंकि बिजनेस अपने आप को हमेशा अलग रख के चलेगा,
यह है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। यानी जब भी आप अकाउंटिंग करेंगे तो आपको बिजनेस एंटिटी को अलग रखना है, और इंसान चाहे वो मालिक ही क्यों ना हो उसको अलग रखना। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की, यानी मुद्रा मापन संकल्पना। मुद्रा मापन ये कहती है कि कोई भी चीज आप तभी नापोगे जब वो मुद्रा के फॉर्म में होगी। ठीक है, वो एक रुपए पैसे के फॉर्म में, जैसे इंडिया में रुपीज चलता है, तो इंडिया में रुपए के फॉर्म में, रुपए पैसे के फॉर्म में कोई चीज है तभी आप उसको नापोगे। रुपए पैसे के फॉर्म में कोई चीज नहीं है, वो कितनी भी अच्छी हो और कितनी भी बुरी हो, आपको अकाउंटिंग में उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जैसे जोधपुर मिष्ठान भंडार है, या कोई भी नाम चलता है किसी भी चीज में, ठीक है, बीकाजी भुजिया, ये वो जो सब नाम बने हुए हैं, इनकी वैल्यू है नाम की। ठीक है, आदमी नाम से लेगा लेकिन वो अकाउंटिंग में कहीं नहीं आएगा। ठीक है, कोई सीईओ चेंज हुआ, उससे आपको बहुत लोगों ने आपके शेयर खरीद लिए, आपको लाभ हो गया, लेकिन वो अकाउंटिंग में कहीं नहीं आएगा। आपके ऑफिस में अगर इतनी चेयर है, इतनी कुर्सी टेबल है, इतनी मशीनरी है, ये सब अकाउंटिंग में इस तरीके से नहीं आएगा, सिर्फ रुपए पैसे की फॉर्म में आ सकता है। आपने जब उसको लिया था, ठीक है, तब उसकी जो कॉस्ट आपको आई थी ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सब चीज, वही उसमें काउंट होगी उस हिसाब से कि भाई आपके टोटल इतने रुपए की आज आपके पास संपत्ति है। यानी मुद्रा मापन संकल्पना कहती है कि जो मुद्रा में है, जिसको मुद्रा में नापा जा सकता है, उसी का सिर्फ अकाउंटिंग में मतलब है, वही काम की चीज है। बाकी जिसको नहीं नापा जा सकता मुद्रा में, मनी में, उसका कोई मतलब नहीं है। वो कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी बुरी हो, चाहे आपकी लिगेसी हो, ठीक है, आपका कुछ भी है जिसको आप नहीं नाप सकते, आप किसी नाम की खा रहे हो सालों से, ठीक है, उस दुकान पे किसी भी आदमी को बिठा दो, वो चलेगी उसके नाम की वजह से, इसको अकाउंटिंग में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अकाउंटिंग में सिर्फ वो लिया जाएगा जहां पैसा इन्वॉल्व है, जिसको रुपए पैसे में नापा जा सकता है, वही सिर्फ अकाउंटिंग के काम का है। ठीक है, जो अकाउंटिंग में पैसे के रूप में आप नहीं दिखा सकते, उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, इससे दिक्कत, मतलब ठीक है, इससे प्रॉब्लम भी हो सकती है कि आप उस नाम को नहीं गिन रहे हो, उस किसी सीईओ को नहीं गिन रहे हो, तो बहुत सारी चीजें अकाउंटिंग में आने से रह जाएंगी। लेकिन अकाउंटिंग का मतलब इतना सही है कि जो मुद्रा के फॉर्म में है, जो रुपीज के फॉर्म में है, उसी को हम काउंट करेंगे। बाकी कोई भी चीज हो, कितना ही उससे डिफरेंस आए, हम उसको काउंट नहीं करेंगे। तो अकाउंटिंग से ये ड्रॉबैक भी हो गया, कमी भी हो गई, कि अकाउंटिंग से आपको पता तो लगेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या कुछ अचानक से बड़ा घटा, लेकिन उसका कारण वहां लिखा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, आप अलग से दिखा सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में सिर्फ पैसे के रूप में ही, रुपए पैसे में ही आप दिखाएंगे। इंडिया में तो, बाहर है तो डॉलर, मीन्स कोई भी चीज जो आपके रुपए पैसे के फॉर्म में आएगी, रोकड़ के फॉर्म में आएगी, वही आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तीसरा कंसर्न है, जो कंसेप्ट है हमारा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, या फिर सतत व्यापार संकल्पना। इसका मतलब यह है कि देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, मंत्री आएंगे जाएंगे, लेकिन देश रहना चाहिए, देश चलना चाहिए। तो वही बात यहाँ पे है कि लोग आएंगे जाएंगे, मालिक आएंगे जाएंगे, ब्रांचेस बदलेंगे, कुछ भी होगा, लेकिन व्यापार आपका चलता रहेगा। ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है, सतत व्यापार ही कहता है, ये मानता है कि जो व्यापार है वो हमेशा चलता रहेगा, व्यापार मेरा रुकने वाला नहीं है, ये मान के व्यापारी चलता है या अकाउंटिंग करता है, तो जो अकाउंटेंट है वो ये मानता है। ठीक है, ये संकल्पना ही कहती है कि व्यापार आपका चलने वाला है। अब इससे फायदा क्या है कि आपने आज कोई चीज ली, आपने 5 लाख की आज मशीनरी ली, ठीक है, तो उसको आपको आज ही 5 लाख दिखाना जरूरी नहीं है कि मैंने इसी में, इसी जो अकाउंटिंग पीरियड है, इसी में पूरे 5 लाख दिखाऊं। अगर उसकी आप लाइफ 5 साल मानते हो, तो आप 1-1 लाख रुपए 5 साल दिखा सकते हो। ठीक है, मैंने इस साल जो उपयोग किया मैं उतना दिखा दूंगा। क्यों दिखा पा रहे हो आप ऐसा? क्योंकि ये सतत व्यापार आप मान रहे हो, ये चलने वाली चीज है, ये इनडेफिनेट टाइम तक चलती ही रहेगी, तो उस हिसाब से आप उसको दिखा पा रहे हो, उस हिसाब से आप आपके प्रॉफिट लॉस जिसमें भी आप चेंजेस करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, ये सतत व्यापार संकल्पना का लाभ है कि आप ये मान रहे हो कि हाँ, बिजनेस जो है चलने वाला है, हमेशा बिजनेस चलता रहेगा। ठीक है, तो उसका ये काम है कि आप जो है उसको दिखा सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि आप बिजनेस को चलने वाली चीज मान रहे हो। पता तो किसी का भी नहीं है, पता तो आपका भी नहीं, मेरा भी नहीं, कल कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिजनेस को हम मानेंगे। बिजनेस का ही पता नहीं है, रोज कंपनियां खुलती हैं, रोज बंद हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हम इस संकल्पना के आधार पर मानेंगे। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है, संकल्पना ये आपको माननी है जब अकाउंटिंग कर रहे हो, कि हम ये मानेंगे कि बिजनेस जो है चलने वाला है। उसका लाभ ये है कि आप टुकड़ों में तोड़ के कोई भी चीज को दिखा सकते हो। ठीक है,
मानना ना मानना अकाउंटेंट के ऊपर है, लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपको फॉलो करने चाहिए। एक जैसी अकाउंटिंग हो, एक जैसे लोग चले, उसके हिसाब से ये एक सेट बना दिया गया है कि ऐसा ऐसा सोचना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो अगला जो कंसेप्ट है, संकल्पना है, वो है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, यानी लेखांकन अवधि। तो लेखांकन अवधि जो है बेसिकली क्या मानी जाती है, जो हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन में भी कई बार पढ़ा कि लेखांकन अवधि आप किसको मानोगे, बोनस के केस में और काफी सारे केस में, कि जो 1 अप्रैल से चालू हो रही, 31 मार्च को खत्म हो रही, नॉर्मली वो मानी जाती है। बाकी चाहे तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, और जो स्टॉक मार्केट की कंपनीज हैं, ठीक है, थीके? वो 3-3 महीने में रिजल्ट देती हैं, तिमाही का रिजल्ट उनका आता है, और स्टॉक मार्केट में जो लिस्ट नहीं है उन कंपनियों के लिए भी सेबी कहती है कि आप हर 3 महीने में बताइए कि आपका रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट है लॉस है क्या है। तो आप अगर देखते होंगे, नोटिस कभी करते होंगे, तो आपका जो स्टेटमेंट है, ठीक है, किसी भी कंपनी का, मनी कंट्रोल या कोई भी ऐप आप डाउनलोड करेंगे, तो जब भी तिमाही रिजल्ट आते हैं तो वो उस पर दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी कंपनी जो है तिमाही रिजल्ट दिखाती है ताकि 3 महीने में पता लग जाए उसके इन्वेस्टर को, ग्राहक को, कि वो क्या परफॉर्म कर रही है। ठीक है, 1 साल में तो करना ही है, साथ में से भी जो है स्टॉक मार्केट में जो नहीं है उनको बोलती है, और स्टॉक मार्केट में जो है वो तो वैसे ही दिखाते हैं ताकि लोग उनके शेयर लें। ठीक है, तो लेखांकन अवधि अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपको 1 साल के अंदर तो करना ही करना है। अगर कोई और आपसे अथॉरिटी कह रही है तो 3 महीने की हो सकता है, लेखांकन अवधि जो है बदल सकती है, लेकिन ये आपको करना जरूरी है। और ये रेगुलेट कहाँ से होता है, कंपनीज एक्ट 2013 और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के आधार पे बताया गया है कि आपको कब कब करना है, कैसे कैसे करना है, और कंपनीज एक्ट में सारी चीजें हैं, हमने पढ़ी थी वो बातें। ठीक है, तो उस हिसाब से लेखांकन अवधि जो है डिसाइड होती है हर कंपनी के लिए। और अगर वो चाहे तो और भी बीच में अगर कुछ ऐसा काम हो गया है, ठीक है, तो वो बीच में भी कर सकती है, जैसे कोई सीईओ गया है, ठीक है, कोई कंपनी डूब गई है, कोई फ्रॉड हो गया है, कुछ ऐसा काम हो गया है जो अब वो कंपनी में पूरा बदलाव ला देने वाला, जैसे सत्यम के साथ हुआ था, ठीक है, या अभी इसमें चल रहा था जेट एयरवेज में, तो कुछ ऐसा बदला है, कुछ अचानक से चेंजेस आए हैं, तो वो बीच में भी अकाउंटिंग कर सकती है। ठीक है, पहले भी कर सकती है, कुछ कंपनी बदलने वाली है तो वो पहले वाला खत्म करके आगे वाला कर सकती है, जैसे अभी कोरोना का चल रहा टाइम, ठीक है, तो बहुत सारी कंपनियां आप देखोगे कि इस टाइम में करेंगी नहीं, क्योंकि उनकी बिजनेस ही नहीं चल रहे हैं, गाड़ियां बिक ही नहीं रही हैं, ठीक है, प्लांट बंद पड़े हैं, कोई बना ही नहीं रहा है, कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो वो अकाउंटिंग करके क्या करेंगे। तो अगर कुछ ऐसी कंडीशंस है तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। वैसे 12 महीने जो फिक्स है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, और 3 महीने में कंपनी निकालती है, वो कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 2000 दोनों से डिसाइड होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगला जो कंसेप्ट है वो है कॉस्ट कंसेप्ट, यानी लागत संकल्पना। तो कॉस्ट कंसेप्ट, इसको आप हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी कह सकते हो। लागत संकल्पना का मतलब ये है कि कोई भी चीज आपको जो कैलकुलेट करनी है, किसी भी चीज की जब आप उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो वो मार्केट रेट से नहीं करोगे, आज की रेट से नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि मार्केट रेट हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, कोई कहेगा अरे ये चल रही है, कोई कहेगा अरे वो चल रही है, और जो आपको अकाउंटिंग में दिखानी है, अकाउंटेंट है, वो अपने हिसाब से उसको बदल देगा। ठीक है, उसको लॉस में करना है तो वो कम दिखा देगा, प्रॉफिट में करना ज्यादा दिखा देगा, तो ये उसके ऊपर बायस हो गई, मतलब उस पर निर्धारित हो गई कि वो क्या करेगा। इसीलिए हम जो है अकाउंटिंग में उन चीजों को यूज करते हैं जिनका हमारे पास प्रूफ है। ठीक है, जैसे आपने कोई मशीन जब खरीदी थी, तो मान लो 5 लाख की खरीदी थी, फिर आपने उसका आने का भाड़ा दिया था, फिर उसको इंस्टॉलेशन का भाड़ा दिया था, तो जब से आपने खरीदी, इंस्टॉलेशन, ट्रेवलिंग, टेम्पो, सब कुछ जोड़ के जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट आई है, जिसका आपके पास हर चीज का बिल है, ओनली वही हिस्टोरिकल कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट हम काउंट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था पिछले प्रीवियस पेपर में कि जो रेवेन्यू है वो कौन सी कॉस्ट के आधार पर डिसाइड किया जा सकता है, आंसर था ओरिजिनल कॉस्ट। तो ओरिजिनल कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसका आपके पास प्रूफ है कि इस तरीके से चीज आई थी। ठीक है, अब वो भले ही उससे प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि आपने कोई प्लांट खरीदा था 5 लाख का, आज उसकी रेट बढ़ के 10 लाख हो गई है। ठीक है, आपने कोई जमीन खरीदी थी 95 में, आज उसकी 7 साल बाद कीमत कुछ और हो गई है, तो आप तो वही काउंट करोगे 7 साल पहले की, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपके हिडन सीक्रेट्स में भी आ सकता है, सीक्रेट रिजर्व यानी अप्रत्याशित लाभ, छुपा हुआ लाभ में आ सकता है, लेकिन फिर भी उसको अकाउंटिंग क्या कहती है, आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट से, आपकी जो मूल लागत है उसी से आपको काउंट करना है अकाउंटिंग में। ठीक है, चाहे कितने भी उसमें प्रॉब्लम्स हो, लेकिन आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट से, जिसका आपके पास प्रूफ है, आपके पास कैश रिसिप्ट होगी, ठीक
टेम्पो की रिसिप्ट होगी, इंस्टॉलेशन की रिसिप्ट होगी, हर जो चीज आपके पास रिसिप्ट है उसी को काउंट करके आपको इसको मानना है। सिर्फ कॉस्ट के आधार पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट या ओरिजिनल कॉस्ट के आधार पे ही आपको किसी भी चीज को नापना है। ठीक है, आपने कोई टेबल खरीदी थी, आज उसकी क्या वैल्यू बची है, लेकिन आपको उसी से नापना है। इससे आपको फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ऐसा करना चाहिए क्योंकि सब करेंगे तो आपका कंपेरेबल होगा। ठीक है, और उसी हिसाब से आपका प्रूफ भी आप कर पाओगे। ठीक है, अगर आप मार्केट रेट कुछ कहते हो, नहीं आज तो ये है, तो उसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, उसको आप अपने हिसाब से बदल सकते हो, कॉस्ट नहीं बदलेगी। इसलिए हम जो है ओरिजिनल कॉस्ट पे ही किसी भी चीज की, इससे कंपैरिजन जो है वो अलग हो सकता है क्योंकि मार्केट रेट आज अलग हो सकती है, मैंने बोला दिक्कत आ सकती है, लेकिन फिर भी हमको किस पे करना है, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट थी, ओरिजिनल कॉस्ट थी, उसी पे हमको उसको लेना है। ठीक है, इसके बाद जो अगला संकल्पना है, अगला कंसेप्ट है, वो है ड्यूअल एस्पेक्ट, यानी द्विपक्षीय संकल्पना। द्विपक्षीय संकल्पना क्या कहती है, अगर आपके पास बैंक खाता लगभग सबके पास होगा, ठीक है, उसका आप स्टेटमेंट उठा के देखना किसी भी पीरियड का, ठीक है, उसकी नेट बैंकिंग से आप स्टेटमेंट देखना, तो डेबिट और क्रेडिट दो चीजें होंगी, हर बार आपके दो अकाउंट जो हैं चलेंगे। अगर आपके पास पैसा आया होगा वो क्रेडिट में लिखा हुआ होगा, गया होगा किसी चीज से कटा होगा तो वो डेबिट में लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो आपके दो पक्ष हैं आपके उस स्टेटमेंट के लिए, से बैंक का जो अपना होगा वहां भी आपके लिए दो स्टेटमेंट होंगे। ठीक है, इससे उल्टा वहां लिखा होगा, तो कोई भी जो ट्रांजेक्शन होता है वो दो चीजों में होता है, कोई भी एक एंट्री दो चीजों को इफेक्ट करती है। ठीक है, बैंक के वहां से डेबिट हुआ तब आपके यहाँ क्रेडिट हुआ, बैंक के यहाँ से क्रेडिट हुआ तब आपके यहाँ डेबिट हुआ। ठीक है, तो कोई भी जो एंट्री है वो दो एंट्रीज को इफेक्ट करती है, दो पक्षों को इफेक्ट करती है, इसे हम द्विपक्षीय संकल्पना कहते हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन आपका ऐसा होना चाहिए जो दोनों को इफेक्ट करे, कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हमको करना है जो दो को इफेक्ट नहीं करेगा, हर चीज दो को इफेक्ट करेगी। ठीक है, जैसे आपने कोई सामान खरीदा तो आपने उसको पैसे दिए, उसने आपको सामान दिया, तो आप तो ग्राहक हैं, आपको कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके लिए क्या है, उसके दुकान से सामान गया, ठीक है, वो डेबिट हो गया, पैसे आए उसके, वो क्रेडिट हो गया, तो इस तरीके से चीजें होती हैं। अगर आपने किसी से कोई माल मंगवाया, भले उधार ही क्यों ना हो, उधार हो नकद, उससे अकाउंटिंग में कोई मतलब नहीं है, उसको दो एंट्री छेड़नी ही छेड़नी है। ठीक है, आपने सामान मंगवाया, आपके पास सामान आ गया, तो सामान तो आपका बढ़ गया, ठीक है, और पैसा आपने नहीं भी दिया तो वो क्रेडिट में लिख दिया जाएगा कि अब वो लेनदार हो गया, उसको हमको देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हर एंट्री आपकी दो पक्षों को छेड़ेगी, इसी को द्विपक्षीय संकल्पना बोलते हैं। इसी पे पूरा डबल एंट्री बुक कीपिंग चलता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या है, डबल एंट्री में क्यों अकाउंटिंग हमको रिकॉर्ड करनी होती है, क्योंकि कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो दो पक्षों को छेड़ेगा, द्विपक्ष के बिना कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता, इसी को द्विपक्षीय संकल्पना कहते हैं। आप जब भी अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको दोनों पक्षों को छेड़ना ही छेड़ना। ठीक है, इसको एक परिभाषा के रूप में, एक इक्वेशन के रूप में किस तरह बताते हैं कि असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी जो आपकी संपत्तियां हैं, परिसंपत्तियां हैं, वो आपकी लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के, यानी देयता प्लस पूंजी के रूप में आपके होने चाहिए। यानी जो आपकी असेट्स हैं, जो आपकी संपत्तियां हैं, वो लाइबिलिटीज किसकी, जो आपको लोगों ने पैसे दिए हुए हैं वो लाइबिलिटी है, ठीक है, लोगों का उधार है, और कैपिटल क्या है, आपका खुद का उधार है, तो उधार किसी का भी हो, ठीक है, चाहे खुद का उधार चाहे उन लोगों का उधार, वो दोनों मिला के आपके असेट्स के बराबर होना चाहिए। अगर आपके असेट ज्यादा है मतलब आप फाइनेंशियल साउंड हो, आप प्रॉफिट में चल रहे हो, अगर वो कम है तो आप लॉस में चल रहे हो, लेकिन ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से, कि आपकी जो भी चीज आए जाए ये लोग वैसे ही रहें। ठीक है, तभी ये समझ में आएगा कि दो एंट्रियां हो रही हैं। ठीक है, दो एंट्री होनी ही चाहिए किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए, इसीलिए कहा गया असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो आपकी संपत्तियां हैं वो आपका खुद का उधार या फिर किसी और से उधार, दोनों के मिलके बराबर होना चाहिए। करते हैं आगम मान्यता संकल्पना या रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट की। तो रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू वो है जो आपके पास इनफ्लो है कैश का, जो भी पैसा आपके पास आ रहा है वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, आपने कोई चीज बेची है उस फॉर्म में आ सकता है, या फिर आपने कोई रेंट पे चीज रखी है उसका आपको इंटरेस्ट मिलता है, कहीं से आपको रॉयल्टी मिलती है, कोई शेयर खरीद रखे वहां से डिविडेंड मिलता है, किसी भी तरीके से आपको जो पैसा मिलता है वो आपका रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू कब रियलाइज किया जाता है, ठीक है,
रेवेन्यू कब मान्य होता है? जब हमें उसको लेने का अधिकार मिल जाता है। मीन्स आपने किसी को सामान बेच दिया, उसके बाद वो पैसा आपके पास नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन वो पैसा आएगा आप उस दिन रिकॉर्ड में लिखोगे। आपने जब सामान दे दिया तभी आप लीगल राइट हो गए, आपके पास कानूनी अधिकार हो गए उससे पैसा लेने के, तभी वो आपके बुक में आपको लिखना है। ठीक है, आप आज दे रहे हो तो आप आज की ही बुक में लिखोगे, जब वहां से पैसा आएगा तब नहीं लिखोगे। ठीक है, यह है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, यानी जो भी आपका रेवेन्यू है आप उसको रियलाइज आज ही करोगे। आप जब कानूनी अधिकार हो गया आपके पास, आप मान्य हो गए उसको लेने के, तभी से वो माना जाएगा कि आपकी रिकॉर्ड बुक कीपिंग में वो आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से रेवेन्यू रियलाइज होता है कि आप जो भी कर रहे हो, ठीक है, जब से आपके पास आपने सामान बेच दिया आपके हिसाब से पैसा आ गया, वो कभी भी दे, लेकिन जब आपकी उसमें आ जाएगा आप लिख लोगे कि पैसा आया नहीं है। ठीक है, और जब वो आ जाएगा आप उसको हटा दोगे लाइन को, लेकिन आपकी अकाउंटिंग बुक में वो उसी दिन आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कोई बिल है, ठीक है, आप अप्रैल से मार्च तक का अकाउंटिंग पीरियड काउंट करते हो, मार्च का जो बिल है वो आपको पे करना है, मार्च में आपने उसको पे नहीं किया, आपने उसको अप्रैल में पे किया, लेकिन काउंट आप कहाँ करोगे? मार्च में ही करोगे। आपका कोई अप्रैल का रेंट देना था, वो मार्च में ही आ गया, एडवांस में आ गया, तो आप उसको मार्च में काउंट नहीं करोगे, आप उसको अप्रैल में ही काउंट करोगे। ठीक है, यानी जो चीज जब होनी है, अप्रैल में आपको रेंट आता है तो आप उसको तभी दिखाओगे, मार्च में आता है मिला अप्रैल में, लेकिन आप उसको मार्च में ही दिखाओगे। यानी रेवेन्यू कब रियलाइज होता है? जब वो मान लिया जाता है कि ये हमारे पास आ गया। जैसे क्वेश्चन भी पूछा गया था प्रीवियस पेपर में कि गोल्ड के केस में वो रियलाइज कब माना जाएगा, ठीक है, गोल्ड कब रियलाइज माना जाएगा? ऑप्शन थे माइंड, ठीक है, या फिर डिलीवर्ड, या फिर आइडेंटिफाई टू बी माइंड। ठीक है, जब हमको खदान मिल गई, या खदान हमने खोद लिया, या फिर डिलीवर हो गया, या फिर सोल्ड हो गया। ठीक है, तो सोल्ड तो बहुत आगे चला गया, रेवेन्यू तो आपका जब ही रियलाइज हो जाएगा जब आपने खोद लिया उसको, आपके पास वो आ गया। ठीक है, तभी आपका रेवेन्यू रिलाइज मान लिया जाएगा कि हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे आपको, बस समझने की बात है। ठीक है, तो रेवेन्यू कब रियलाइज होता है? जब आपके पास वो आ जाता है। ठीक है, तभी उसको रियलाइज मान लिया जाता है। अब इसके अपवाद क्या है? जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन जो हमारे काम होते हैं दो दो तीन तीन साल चलते हैं। ठीक है, और हमें मान लेते हैं कि इस तरीके से हम फ्लैट बनाएंगे, इस साल हम ए विंग बनाएंगे, अगले साल बी विंग बनाएंगे, अगले साल सी विंग बनाएंगे, तो हमने पूरा प्रोजेक्ट तो एक साथ ले लिया, वर्कर लगा दिए, लेकिन हमारी कॉस्ट धीरे धीरे जाएगी और रेवेन्यू भी हमें धीरे धीरे मिलेगा जब जब फ्लैट बिकेंगे। ठीक है, तो उस केस में हम जो है आनुपातिक रूप में उसको तोड़ लेते हैं कि एक साल में हमारा इतना बन जाना चाहिए, कोई एक विंग बन जानी चाहिए, उस विंग के हिसाब से हम जो है पैसा अपने अकाउंट करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगले साल करेंगे, तो जो प्रपोर्शनेट यानी अनुपातिक रूप से उसको तोड़ लिया जाता है, उस तरीके से रियलाइज किया जाता है। या फिर आपने कोई पैसा, कोई चीज बेची है जिसका पैसा आपको किश्तों में मिलने वाला है, ठीक है, तो फिर वो जब किस्तें आएंगी तब उनको रियलाइज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम दे दिया और वो किस्तों में आना तो फिर किस्तों के हिसाब से उसको रियलाइज होगा। ऐसे जो केस है जहाँ पे हमारा प्रॉफिट फिर एकदम से बढ़ सकता है, उसको हम रियलाइज करने के लिए ऐसा कर लेते हैं। बाकी सब जगह पे जब से आपको लीगल राइट आपको मिलते हैं कि आपको पैसा मिलेगा इंस्टॉलमेंट का, उसमें कोई सीन नहीं है और ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन का लंबा काम नहीं है, तो आप उसी टाइम अपनी रिकॉर्ड बुक कीपिंग में उसको लिखोगे, जिस दिन वो पैसा आ जाएगा आप उसको लाइन को कट कर दोगे, लेकिन माना तभी से जाएगा कि ये पैसा आ गया है, रेवेन्यू में उसको काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, अगला कंसेप्ट है मैचिंग कंसेप्ट, आगम व्यय मिलान। ठीक है, मिलान किसका करना है? रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का, आगम और व्यय का। ठीक है, तो जैसे हमने रेवेन्यू रिकॉग्निशन में देखा कि जो आगम है उसको आप तभी रियलाइज करते हो जब आपके पास अधिकार आ जाते हैं, जब नहीं कि जब आपको पैसा मिलता है, उसी तरह से आपको यही सेम काम एक्सपेंसेस के लिए भी करना है, व्यय के लिए भी करना है। अगर आप दोनों को अलग कर दोगे, मीन्स आप रेवेन्यू तो तुरंत रियलाइज कर रहे हो और पैसा आप जब दे रहे हो तब रियलाइज कर रहे हो, तो आपके पास आपको ज्यादा पैसा दिख जाएगा और उससे आपको दिक्कत आ जाएगी, आपको डिविडेंड देना पड़ जाएगा और आपकी कीमत पूंजी में से चला जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्योंकि रेवेन्यू आप तुरंत रियलाइज कर रहे हो, आपको व्यय भी तुरंत रियलाइज करने पड़ेंगे। जैसे आपने कोई सामान खरीदा, उसका पैसा आपने नहीं दिया है अभी, ठीक है, लेकिन आपको आज ही लिखना है, ठीक है, कि ये पैसा मुझे देना है,
वो आपकी बुक में आ जाएगा। आपको कोई इंटरेस्ट देना है, आपने नहीं दिया तब भी आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि आप अप्रैल में दोगे तो अप्रैल में लिखोगे, मार्च का तो आप मार्च में ही लिखोगे, ठीक है। यानी जैसे जैसे रेवेन्यू रियलाइज करना है वैसे वैसे आपको एक्सपेंसेस भी रियलाइज करने हैं। और जो एक अकाउंटिंग पीरियड है, एक जो फिक्स अकाउंटिंग पीरियड है, उसमें आप उतना ही रेवेन्यू उसका काउंट कर रहे हो, उस अकाउंटिंग पीरियड का। जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रैल का बिल अगर एडवांस आ जाएगा मार्च में, तो आप मार्च में काउंट नहीं करोगे, अप्रैल में काउंट करोगे। वैसे ही आप उस अकाउंटिंग पीरियड में जितना रेवेन्यू आपके पास आ रहा है उतना ही आप काउंट कर रहे हो, तो उसी का आप एक्सपेंडिचर, उसी का आप व्यय भी काउंट करोगे, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए आपकी कोई खिलौने की दुकान है, आपकी कोई इस तरह की प्रोडक्शन की दुकान है, और वो जितना बिक गया, जितना सामान बिक गया, उसी पे आप प्रॉफिट लॉस काउंट करोगे। जो आपकी इन्वेंट्री रह जाती है बाद में, चाहे वो कच्चा माल हो चाहे वो तैयार माल हो, दोनों को आप अलग रखोगे। जितने आपके पीसेस बिक गए इस साल, उन्हीं के आधार पे आप प्रॉफिट लॉस काउंट करोगे। जितने तैयार में से बिक गए उन्हीं पे, जो अलग है उसको अलग रखोगे, जो लास्ट में आपके पास बच जाएगा उसको अलग रखोगे। अकाउंटिंग पीरियड में आपके पास जो भी जितना बिक गया है उन्हीं सामान पे आप प्रॉफिट लॉस काउंट करोगे, ठीक है। किसके तहत? मिलान आगम वे मिलान संकल्पना के तहत, कि आपको जो है, क्योंकि आप रेवेन्यू जिस तरीके से रियलाइज कर रहे हो, आपको आपका व्यय भी उसी तरीके से रियलाइज करना पड़ेगा, तभी जाके एक यूनिफॉर्म आएगा। अगर आप रेवेन्यू तो पूरा रियलाइज कर रहे हो और व्यय नहीं कर रहे, आप व्यय पूरा रियलाइज कर रहे हो रेवेन्यू नहीं कर रहे, दोनों केस में दिक्कत है। इसलिए जो सामान बिक गए उन्हीं पे आप प्रॉफिट लॉस काउंट करोगे, ठीक है, सब पे नहीं करोगे, उनको अलग रख दोगे, फिर अगले पीरियड में उसको देखोगे, ठीक है। यह है रेवेन्यू रियलाइजेशन, या इसके बाद जो हमने पढ़ा मिलान संकल्पना, ठीक है। इसके बाद है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर मीन्स पूर्ण प्रस्तुतिकरण। तो पूर्ण प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या है? पूर्ण प्रस्तुतिकरण का मतलब यह है कि जैसे मैंने आपको बताया, अकाउंटिंग किसको हम कहते हैं, कि ट्रांजेक्शन से आपको पूरा बदलना है, किसमें? इंफॉर्मेशन में। अब वो इंफॉर्मेशन एक को नहीं चाहिए, सबको चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टर को चाहिए, ग्राहक को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, रेगुलेटरीज को चाहिए, आपके सप्लायर को चाहिए, क्रेडिटर को चाहिए, सबको चाहिए, ठीक है। किसी और बाहर की कंपनी को चाहिए, किसी कंप्यूटर को चाहिए, सबको चाहिए, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन जिस जिसको चाहिए, फर्स्ट आप लेक्चर देखना, ठीक है। तो उन सबको वो इंफॉर्मेशन मिल जाए एक ही स्टेटमेंट से, ठीक है। सिर्फ आपका एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, उससे सबको इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो उसमें फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, ठीक है। उसमें पूर्ण प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, उसमें जो भी आपकी चीजें हैं, आपने जो भी तरीके से कैलकुलेट किया है, आपने जो भी तरीका अपनाया है, आपने जिस भी आधार पे उसको किया है, वो सब उसमें होना चाहिए, ताकि सब लोगों को समझ में आए। क्योंकि बड़ा मुश्किल है एक ही स्टेटमेंट से सबको जवाब देना, ठीक है। इसीलिए फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट है कि पूर्ण प्रस्तुतिकरण होना चाहिए आपकी रिपोर्ट में, ताकि जितने भी लोगों को जो जो आंसर उससे चाहिए आपकी कंपनी के बारे में, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ले पाए। साथ में जैसे आपके खुद मैनेजर हैं, खुद आपका मैनेजमेंट है कंपनी का, वो भी तो डिसीजन लेगा उससे, ठीक है। तो सबको जवाब मिले ऐसा होना चाहिए आपका स्टेटमेंट, ठीक है। इसीलिए इसको कहा गया फुल डिस्क्लोजर, यानी जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो, जिस भी तरीके से आप कैलकुलेट कर रहे हो, वो सब उसमें होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट की। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट जो है समनुरूपता। समनुरूपता में क्या है कि कंसिस्टेंसी तो किसी भी चीज में होनी चाहिए। देखिए, अगर आप कोई काम करते हैं, कंसिस्टेंसी तो आपकी पढ़ाई में होनी चाहिए, तो अकाउंटिंग पीरियड में तो होनी चाहिए। आप अभी जो तरीका यूज कर रहे हैं इस साल के लिए अकाउंटिंग के लिए, और वो आप अगले साल अगर यूज नहीं करेंगे तो कंपेरेबल ही नहीं है, ठीक है। इस साल का रिजल्ट और अगले साल का रिजल्ट कंपेरेबल कब होगा? जब आप सेम तरीका यूज करें। जब सेम तरीका ही आप यूज नहीं कर रहे तो कंपेयर कैसे करेंगे? इसलिए कंसिस्टेंसी तो होनी ही चाहिए। आप जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो कंपनी एक्ट से, सरकार से, जहां से भी आईसीआई से आ रहा है, उसको आप फिर वही फॉलो करना है आपको, ठीक है। क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपकी चीजें ही गड़बड़ हैं। आप कभी कुछ यूज कर रहे हैं, कभी कुछ यूज कर रहे हैं, तो खुद ही कंपेयर नहीं कर पाएंगे। खुद जब आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, इसको बोलते हैं इंटर टर्म कंपेरिजन, यानी टर्म का कंपेरिजन, इंटर पीरियड, पीरियड्स का कंपेरिजन, एक अवधि का दूसरी अवधि से। जब आप वही कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो दूसरा कहाँ से करेगा? और दूसरे से जब आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो आपका डिसीजन कैसे लेगा मैनेजमेंट कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो
कंसिस्टेंसी तो आपको रखनी ही है, जो मेथड आप फॉलो कर रहे थे वही मेथड आपको आगे फॉलो करना है, तभी वो कंपेरेबल है, तभी उसका कोई मतलब है। लेकिन कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, आप और कुछ देखेंगे ही नहीं। अगर कोई बदलाव आया है, कुछ गवर्नमेंट ने बदलाव किया है, ठीक है, तो वो बदलाव भी आपको करना है, ठीक है, वो बदलाव भी आप करेंगे, लेकिन उसको फिर लिख देंगे, दिखा देंगे फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट के तहत कि इस वजह से ये बदलाव किया गया है। वो बदलाव फिर सब करेंगे, सबके लिए आया होगा, तो फिर वो कंपेरेबल हो जाएगा। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी ऐसे अपने मन से चेंज नहीं कर देनी है कि पिछली बार मैंने कुछ यूज किया, पिछली बार मैंने मार्केट रेट से लिया, इस बार मैं ओरिजिनल कॉस्ट से ले लूंगा, पिछली बार इसको मैंने ऐसे लिया, अब मैं ऐसे ले लूंगा। आपको ऐसा नहीं करना है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। अगर कंसिस्टेंसी आप बना के नहीं रखेंगे तो उस अकाउंटिंग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो मतलब आप कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली संकल्पना, जो है कंजर्वेटिज्म यानी रूढ़िवादिता संकल्पना, ठीक है। कंजर्वेशन इसको संरक्षण भी आप कह सकते हो, रूढ़िवादिता कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। ये फॉलो करना ना करना आपके पास है, पर अकाउंटिंग के लिए एक ये है, अकाउंटेंट के लिए है कि उसको करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपके जो प्रॉफिट है, आपके जो आगम है, आपको जिस जिस से पैसा आना है, उसको तो आप रियलाइज नहीं करोगे जब तक वो ना आ जाए, ठीक है। लेकिन जो आपके लॉसेज हैं, ठीक है, या आपका कोई गवर्नमेंट का नियम आने वाला है और उसको जैसे आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, जीएसटी आने वाला है, टैक्स आने वाला है, कुछ बढ़ने वाला है, आपको दूर से भी खबर मिल गई, आप उसको काउंट कर लोगे, ठीक है। यानी आप अलग हो जाओगे प्रॉफिट के केस में और लॉस के केस में। ये क्यों करना है और इससे क्या फायदा है, ठीक है। इससे फायदा ये है कि अगर मान लीजिए आपने ऐसा नहीं किया, आपने प्रॉफिट रियलाइज करते गए और अचानक से कोई आपके पास आ गया लॉस, तो आप क्या करेंगे। प्रॉफिट आपका आया तो प्रॉफिट तो मांगने आपको 36 लोग आ जाएंगे, आपको देना पड़ेगा, आपको बोनस देना है, आपको डिविडेंड देना है, आपको सब कुछ देना। लेकिन लॉस तो बांटने आपके साथ कोई नहीं आएगा, बिजनेस तो आपका है। आपको कभी प्रॉफिट हुआ और आपने समोसे खिला दिए, ठीक है, लोगों को, तो वो तो पैसे आपके चले गए। लेकिन जब आपके लॉस होगा तो क्या वो पैसे वापस देने आएंगे आपको, नहीं देने आएंगे। तो इसीलिए बिजनेस आपको चलाना है तो आपको आपके प्रॉफिट सारे ध्यान रखने हैं, कहाँ कहाँ से मुझे प्रॉफिट आना है, ठीक है। लेकिन उनको रियलाइज आप तब करोगे, तब दिखाओगे बैलेंस शीट में जब वो आ जाएंगे। लॉस की दूर की भी संभावना तो उसको आप दिखा दोगे। इसका फायदा क्या होगा कि आपके पास से मतलब गलत पैसा नहीं जाएगा। देखिए, अगर आपने प्रॉफिट दिखा दिया जबरदस्ती का, लॉस आप कैलकुलेट नहीं कर पाए, तो आपका जो प्रॉफिट आया उससे आपने डिविडेंड दे दिया, बोनस दे दिया, ठीक है। लॉस हुआ तब आप कोई आपको बचाने नहीं आएगा, ठीक है। आपने प्रॉफिट दे दिया तो वो बेसिकली लॉस के टाइम पे उसको बैलेंस होना था, आपने पहले ही दे दिया, तो वो कहाँ से चला गया, आपकी कैपिटल से चला गया, आपकी इक्विटी उससे कम हो गई, ठीक है। आपकी इक्विटी, आपकी कैपिटल, पूंजी, संपत्तियों से गया वो पैसा, ठीक है, तो वो अनर्गल पैसा चला गया, बेकार पैसा चला गया आपकी संपत्तियों से, जो नहीं जाना चाहिए था। इसीलिए कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट है, रूढ़िवादिता आप इसको कह सकते हैं, संरक्षण कह सकते हैं, कुछ भी, ये आपके बिजनेस का संरक्षण है कि आपका पैसा आपके पास रहे। कम आपने बोनस दिया, कम डिविडेंड दिया, प्रॉफिट ना दिखा के वो चलेगा, लेकिन अगर लॉस हो गया और आप फिर बचा नहीं पाओगे, फिर आपको कोई बचाने नहीं आएगा। इसलिए अगर लॉस की या कोई पैसा कटना है, या मुझे किसी चीज़ का इंटरेस्ट देना है, मुझे कुछ ऐसा करना है निकट भविष्य में या दूर के भविष्य में, उसको आप काउंट कर लिया, प्रॉफिट को नहीं करा, इसको आप क्या बोलते हो, कंजर्वेटिज्म, ठीक है। इससे आपका बिजनेस बचा रहेगा, आपका पैसा आपके पास रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सारता संकल्पना या मेटेरियलिटी कंसेप्ट। मेटेरियलिटी का मतलब ये है कि ऐसा कुछ आप काउंट नहीं करेंगे जो मेटेरियलिस्टिक नहीं है, जिसका कोई सार ही नहीं है, ठीक है। जैसे आपका बहुत बड़ा बिजनेस है और आप उसमें काउंट कर रहे हो कि इतनी पेंसिल आती है, इतनी रबड़ आती है, इतने पेन आते हैं, ठीक है। आप पूरा साल के एक बार में जितना स्टेशनरी, उसको स्टेशनरी में दिखा दोगे। आप चाय पिलाते हो, एक लास्ट में टी अकाउंट बना दोगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको काउंट नहीं करनी है। आपका जिस चीज का धंधा है, आपका जो काम है, आपको वो काउंट करना है, ठीक है। जो उसके साइड में चल रहे हैं, ठीक है, स्टेशनरी है, चाय है, या और कुछ आप करते हैं, वो सब आप एक लास्ट में अकाउंट, ऐसा नहीं पेंसिल पेन उसमें सब अलग अलग दिखाओगे, एक स्टेशनरी का, हाँ भाई अकाउंट इतना पैसा चला गया, हाँ भाई चाय का ये इतना पैसा चला गया। तो मेटेरियलिस्टिक होना चाहिए, उसका कुछ सार होना चाहिए, तभी आप उसको दिखाओगे। ये कौन कहता है मेटेरियलिस्टिक कंसेप्ट या सारता संकल्पना, कि आपको वही चीजें दिखानी है जिनसे कोई मतलब है,
जिन चीजों का कोई मतलब नहीं है, पैसा तो जा रहा है लेकिन उसमें घुसने का कोई मतलब नहीं है, कितने की पेंसिल लाई, इतने का पेन आया, इतने की चाय पी ली, वो आप डायरेक्ट दिखा सकते हो और आपकी बाकी चीजों पर ध्यान आपको देना है जो मेन है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। तो ये वस्तुनिष्ठता संकल्पना आप इसको कह सकते हैं, और ये हिस्टोरिकल कॉस्ट जो कंसेप्ट था उसी से निकल के आता है कि आपको ऑब्जेक्टिविटी ध्यान रखनी है, वस्तुनिष्ठता ध्यान रखनी है। कोई भी जो आपको अकाउंटिंग में दिखाना है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के अभिलेख होने चाहिए, यानी ऐसे जिनकी आपके पास रिसिप्ट हो, ठीक है, जिसका आपके पास प्रूफ हो, वही आपको अकाउंटिंग में दर्ज करना है। आपको मैट्रिक जो आज की मार्केट रेट है उससे दर्ज नहीं करना है, आपको दर्ज करना है हिस्टोरिकल कॉस्ट से, जिसका आपके पास प्रूफ है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, ट्रेवलिंग हो, खरीदा हो, बेचा हो, कुछ भी आपने किया हो, जिसका आपके पास प्रूफ हो। अगर आपने खरीदा है तो आपको कैश रिसिप्ट मिलेगी, अगर आपने बेचा है तो आपको मेमो मिलेगा। जो भी चीज आपको मिल रही है, ठीक है, वो सब आपको, जिसको आप प्रूफ दिखा सकते हो। आपके अकाउंटिंग से अगर कल को पूछ लिया जाए कि भाई ये आपने कैसे लिखा, कोई आपसे ऑडिटर क्वेश्चन कर देता है, तो आपके पास रिकॉर्ड में रहेगा कि देखो मैंने इस वजह से लिखा है। वही चीज आपको रिकॉर्ड करनी है, भले ही दिक्कत आएगी, जो हमने पहले ही बात की हिस्टोरिकल कॉस्ट में, कि मार्केट रेट कुछ और हो सकती है, इससे आपके सीक्रेट रिजर्व बन सकते हैं, अप्रत्याशित लाभ हो सकता है, लेकिन लाभ ही तो हो रहा है। इसलिए आपको जो मार्केट रेट है उससे नहीं दिखाना है, कितनी भी हिडन चीजें रह जाए, हिडन प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, हिडन लॉस हो जाए, दिक्कत आए या फायदा हो, आपको दिखाना ऑब्जेक्टिव से है, ऑब्जेक्टिविटी से है, जिसका आपके पास प्रूफ है, जिससे आप साबित कर सकते हो, उसी हिस्टोरिकल कोर्स से आपको दिखाना है। ठीक है, ये कहती है वस्तुनिष्ठता संकल्पना। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने बताया आपको किस तरीके से बनते हैं। कोई क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है ये किस कंसेप्ट के थ्रू है, ये किस कंसेप्ट के थ्रू है, गोल्ड कब रियलाइज होगा, ठीक है, जैसा पिछली बार क्वेश्चन आया, और कैसे कैसे रिलेशन होता है, कौन सी कॉस्ट पे होता है, ठीक है, क्या एक्सपेंडिचर है, कब काउंट किया जाएगा, ये कौन सी संकल्पना से आता है, तो कैसे भी पूछा जा सकता है। मुद्दा ये है कि आपको संकल्पना समझ में आनी चाहिए, तभी आप आंसर दे पाएंगे। सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझना ही आपको चाहिए, ठीक है। और समझोगे कब, जब आप पढ़ोगे, तो सारी बातें छोड़ के पढ़ाई कीजिए। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।